हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई शिक्षा केंद्र। स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हम लोग का 12 है साइंस सी आर टी में, इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग का लास्ट सीरीज़ था 8 सीरीज़, इसमें है ना 4 लेक्चर्स अभी तक रिकॉर्ड किया 8 to 10। इसमें हम लोगों ने रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एंड रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व किए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनता है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सो ये जो लेक्चर हम लोग का 9 होगा इसी पर हम लोग का फोकस रहेगा स्टूडेंट। सो चैप्टर को स्टूडेंट ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर दें। देखिए स्टूडेंट, जैसा टॉपिक में है हीटिंग इफेक्ट, सो ये इलेक्ट्रिक करेंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कहता है कि जो हम लोग का सेल है जो कि क्या जनरेट करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं, मोशन में। ओके, देन अब ये जो हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी हम लोग का है ना सप्लाई हो जाता है। ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देन वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना अदर फॉर्म्स में हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखो फैंस में होता है, उस है ना फैन में ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, तो ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं तो वो कौन सी मैकेनिकल एनर्जी हो गया। बहुत सारे हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, वो हम लोग का जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। सो हम लोग अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज़ कर लेते हैं और अलग अलग हम लोग को एनर्जी के फॉर्म को बस चेंज कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले एक बेस बात उठता है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये जनरेट क्यों हो रहा है। ओके स्टूडेंट, सो अगर हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, तो एक लेक्चर हम लोग का है 7A, वहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है रेसिस्टेंस ओरिजिन को, तो यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जा रहा है, आई बटन को आप क्लिक करके रेसिस्टेंस ओरिजिन ये जो टॉपिक है उसको ज़रूर देखिए स्टूडेंट। सो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये जो हम लोग का अगर कोई कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इमोबाइल आयन्स हैं, इमोबाइल है ना, बहुत सारे जो एटम्स जो मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूव करने के लिए तो हमारे पास सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनको आगे बढ़ना है। सो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोलिजन होता है। ओके स्टूडेंट, सो जब ये कोलिजन होगा तो जब भी कोलिजन होता है तो क्या जनरेट होगा, हीट एनर्जी। सो अगर इवन अ सिंपल कंडक्टर, ओके इधर यू टेक अल्मोनियम और समथिंग, ओके वहाँ आपका रेसिस्टेंस होगा ही होगा। अगर आप यूज़ कर लेते हो, अगर आप कोई है ना रेसिस्टर यूज़ कर लेते हो, तो रेसिस्टर तो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते ही हैं, बट इवन अ कंडक्टर कैन प्रोड्यूस, ओके है ना, कैन हैव इट्स रेसिस्टेंस। और अगर रेसिस्टेंस होगा स्टूडेंट तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो हीट इज जेन्युइन जो प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पर ऑन दिस लाइन, फॉर इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, दैट इज अ कन्फिगरेशन ऑफ रेसिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डेसिपेटेड यूज्ड अप, दैट इज यूज्ड अप एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सो ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ कहता है स्टूडेंट कि फॉर सपोज कि आपने एक सर्किट ले लिया, ओके और सर्किट में आपने लेकर के कोई भी डिवाइस, सपोज कर लो आपने एक डिवाइस यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर इज़ टोटली बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, और अगर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो दैट रेसिस्टेंस विल प्रोड्यूस हीटिंग अफेक्ट। ओके, अब रेसिस्टिव कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, और भी समझ सकते हो, जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग को ये पता भी चलेगा, और फैक्ट्स को रख देते हैं कि अगर आप फॉर सपोज कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो रेसिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, हीट एनर्जी। मतलब ये जो हमारा बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दैट इज़ है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रहा है वो रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब रेसिस्टेंस है, अदर होते हैं कुछ इंडक्टर्स,
कुछ होते हैं कैपेसिटर्स, दे ऑल्सो यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट इट इंटू अदर फॉर्म्स ऑफ है ना, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो अगर मैंने मेरे को ये सब नहीं यूज़ करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट अगर यूज़ करना है, तो रेसिस्टिव सर्किट है ना क्या जनरेट करेगा, ओनली हीट. ओके, सो ये हम लोग का लाइन हम लोगों ने क्लियर किया है, दैट इज टोटली यूज अप इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम लोग का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रिक पावर. अब देखो स्टूडेंट, आपने देखा होगा स्टूडेंट बल्ब है ना, कॉमनली हम लोग जैसे बल्ब यूज़ करते हैं ना, उस पर लिखा होता है सम वाट की जो बल्ब है वो 12 वाट की है. जनरली घर में यूज़ कर लेते हैं 10 वाट का बल्ब यूज़ कर लेते हैं ना, लाइट बल्ब यूज़ कर ले, तो ये क्या है, इसके बोलने का सेंस है. अब देखो पावर, पावर की यूनिट होती है वाट, दैट इज़ 12 वाट 10 वाट जो हम लोग बोलते हैं. बट कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. सो अब देखो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास में हम लोग जानते हैं या फिर आप ऐसे भी समझो कि पावर इज वाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाई टाइम. और यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो हमारा वर्क है वो किस तरह का वर्क है, ये है इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा वर्क है वो वर्क कौन सा फॉर्म है, इलेक्ट्रिक वर्क. अब इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क कौन करता है, से ये हमारा बैटरी हो गया है ना, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है वो क्या होता है, वो क्या करता है इलेक्ट्रिक वर्क, यू नो वी इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू बाई क्यू. ओके, तो वी इक्वल टू जब डब्ल्यू बाई क्यू होता है तो वर्क क्या होता है, हम लोग का वर्क किया जाता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस जो सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं चार्जेस पर. सो इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाई टाइम एंड दैट इज पावर, वी कॉल बेटर इट एज इलेक्ट्रिक पावर. सो इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इलेक्ट्रिक वर्क बाई टाइम. नाउ स्टूडेंट इसको आप जरा डिराइव करो, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. अब स्टूडेंट आपने तो पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज, सो यू कैन फ्रॉम दिस इक्वेशन राइट डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू. नाउ पुट दिस डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू, डब्ल्यू के प्लेस पर आप वी इंटू क्यू यहाँ पुट कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी. और देखो स्टूडेंट पी इक्वल टू वी क्यू बाई टी, यहाँ हमारा क्यू बाई टी आपको क्या देगा, आई. पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी इंटू आई, क्योंकि आपने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में है ना कि करेंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. सो क्यू बाई टी इज आवर आई. सो दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज पावर इक्वल टू होता है वी इंटू आई. ओके, पावर इज इलेक्ट्रिक पावर है. नाउ स्टूडेंट अगर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पावर बताने को, और वहाँ पर आपको फॉर सपोज आपको रेसिस्टेंस दे दिया और करेंट दे दिया, ठीक है, तो घबराना नहीं है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमूव दिस वी. ओके, यू कैन राइट पावर इक्वल टू, आप वी के जगह आई आर लिख सकते हो, आई आर इंटू आई. सो पावर का और फॉर्मूला क्या हो सकता है, आई आर आई, दैट इज आई स्क्वायर आर. ठीक है, तो आपको रेडी रहना है, इफ सपोज वी और आई है आपके पास, वी और आई ना दे करके आपको आई और आर दिया हुआ है, तब भी आप पावर कैलकुलेट करोगे. करना क्या है आपको, ओम्स लॉ लगा करके, जिस तरह मैंने वी को है ना, वी नहीं दिया हुआ था तो वी को रिमूव कर दिया, वी के जगह आई आर कर दिया, ठीक है. सो यू कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन, पी इक्वल टू वी आई, यू कैन ऑल्सो राइट पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ओके, इफ यू थिंक मोर देन पावर इक्वल टू वी इंटू, अगर करेंट नहीं दिया है तो देखो एक और फॉर्म हो सकता है, करेंट के जगह वी बाई आर लिख सकते हो ओम्स लॉ से, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इज वी स्क्वायर बाई आर. सो आपको ये अलग अलग फॉर्म्स पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बाई, उतना आपको फोकस नहीं करना, आप पावर इक्वल टू वी इंटू आई जो डेरिवेशन है इस पर फोकस रखो. पावर इक्वल टू वी बाई आई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना आपके लिए जरूरी है. अदरवाइज अगर इसमें कोई भी डाटा अगर आपका मान लेते वोल्टेज नहीं दिया, तो आप समझ जाओ कि आपको वहाँ ओम्स लॉ लगाना है और जो भी कंसिडरेबल आपका इक्वेशन है वो निकल जाएगा. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है हम लोग का हीट. नाउ स्टूडेंट अब हम लोग हीट के लिए डेरिवेशन करेंगे. ओके, सो एच इक्वल टू वी आई टी. देखते हैं स्टूडेंट हीट के इस इक्वेशंस को हम लोग बेटर समझने की कोशिश करते हैं. देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. और ये जो इलेक्ट्रिक वर्क है दैट इज, और यू कैन से इलेक्ट्रिक एनर्जी,
अगर हम लोग रेसिस्टिव सर्किट ले रहे हैं तो यही वर्क, दैट इज जैसे फॉर सपोज बल्ब ले लिया है ना, आप कोई भी जहाँ पर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो हीट एनर्जी में, दैट इज़ रेसिस्टिव, जरूर आप वहाँ रेसिस्टेंस यूज़ करोगे है ना, हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए एक्सेस रेसिस्टेंस यूज़ कर लोगे। तो कोई भी रेसिस्टिव सर्किट लोगे आप, तो वही इलेक्ट्रिक वर्क या एनर्जी कौन सा फॉर्म में चला जाएगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में। ओके, एंड दैट हीट है ना, यू कैन राइट हीट बाई टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क और एनर्जी बाई टाइम और हीट बाई टाइम। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, V into I. So what you can understand is heat equal to V into I into T, है ना, T को उधर भेज दिया। So ये जो equation है हम लोग का heat equal to V I T, that is very important for you. Now heat generate, इस equation से आप ये भी समझ सकते हो कि जो heat generate होता है वो directly proportional होता है potential difference के, directly proportional होता है current के, और जितना ज़्यादा आप time देते हो किसी device को, ज़्यादा समय के लिए आप चलाते हो तो है ना heat पता चलने लगता है, जो शुरू में अगर वो पता भी नहीं चल रहा हो तो ज़्यादा समय आप दोगे तो ज़्यादा heat up हो जाएगा। So इस equation से heat equal to VIT हम लोग derive करते हैं। Now student, heat का और भी equation हम लोग सॉल्व है ना निकाल सकते हैं, जैसे H equal to होता है I square RT। देखो तो अब अगर आप यहाँ सोच रहे होगे, देखो तो यहाँ टाइम है और यहाँ भी टाइम है इक्वेशंस में है ना, रेसिस्टेंस है ना प्लेस में यूज़ नहीं हो रहा, तो क्या इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो स्टूडेंट, क्या कर सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज के जगह V के जगह आप IR लिख सकते हो फ्रॉम ओम्स लॉ इनटू, आपका I तो यहाँ एक पहले से भी है, I इनटू T। सो यू कैन राइट I स्क्वायर आर टी। सो हीट का एक और फॉर्म आपने निकाला है, ओके, हीट इक्वल टू वी आई टी। आप चाहे है ना आप इस पर आई को भी रिमूव कर सकते हो, देखो हीट इक्वल टू आपका वी आई टी होता है, इस आई को आप रिमूव करो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आई के जगह आप ओम्स लॉ से वी बाई आर लिख सकते हो इनटू टी। सो हीट यू डिराइव दैट वी स्क्वायर टी बाई आर। सो ये आप कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस पर, कि क्वेश्चन में क्या दिया है, आइदर इट हैज़ गिवन वी आई टी और इट हैज़ प्रोवाइडेड यू आई आर टी। ओके, अगर है ना आप इस फॉर्म को याद रखो है ना, आप अदरवाइज है ना किसी भी फॉर्म पर भी ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ आपको ओम्स लॉ यूज़ कर लेना है। सो अब इससे कुछ रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चंस को करके देखते हैं, थोड़ा बेटर हम लोग को आइडिया होगा। सो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आपको बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके, और इलेक्ट्रिक आयरन जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक बार उसको हीटिंग जब मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं तो पावर आपका होता है 840 वाट। ओके, सो आप जब मैक्सिमम यूज़ करते हो तो वो है 840 वाट और दैट इज़ पावर ना P1 और द है ना, और यहाँ पर बोलता है जब आप मिनिमम हीटिंग करना चाहते हो दैट इज़ P2 है ना, आपको पता है ना जब आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो तो उसमें सेट करना होता है कि आप किस तरह के कपड़े को गर्म करते हो, उस अनुसार ही आपका वहाँ हीट जनरेट होता है ना। तो मान लो यहाँ पर आप पावर कम करोगे, ओके, तो पावर आपका कितना हो गया 360 वाट ही यहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो ये तो अभी तक आप समझ रहे थे कि 840 वाट क्या है, तो है ना वाट पावर है, पावर इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो जो डिवाइस होगा वो 840 जूल ले लेगा है ना एक सेकंड में है ना, इसका कहने का सेंस हुआ, जबकि ये है ना पावर टू 360 जूल यूज़ कर लेगा डिवाइडेड बाय एक सेकंड में, तो दैट इज़ 360 वाट। ओके स्टूडेंट, इस पॉइंट पर आपको एक बात और याद आया है, दैट इज़ हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को जूल्स हीटिंग अफेक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट, जूल्स हीटिंग अफेक्ट। आपको पता है जूल जो साइंटिस्ट है हीट का यूनिट या है ना एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, तो उनके ऑनर में यहाँ पर हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स हीटिंग अफेक्ट भी आपसे करके पूछ सकता है, दैट इज़ एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और जो आप रिलेटेड इक्वेशंस पढ़े हो वी आई टी है ना, आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है ना, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हीट जनरेट होता है। सो अब इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पावर हम लोग का 840 वाट और वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, वोल्टेज दोनों ही केस में 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, यहाँ भी और लेट्स सपोज से इट इज़ वी, ओके जनरली टेक इट वी, एंड हियर वी आल्सो इज 220। आपसे पूछा क्या स्टूडेंट करेंट, और करेंट जैसे ही आक्स करता है आपके सामने सीधा एक फार्मूला आ जाएगा, व्हाट पावर इक्वल टू वी इनटू आई, सो यू कैन पुट पावर एज 840, वोल्टेज एज व्हाट 220, एंड करेंट इज आई, सो आई हियर आई वन ना, आई वन हियर इज व्हाट, आई वन हियर इज 840 डिवाइडेड बाई 220। सो इसको सॉल्व कर लेना है, दैट विल बी इन एम्पियर, सम वैल्यू इन पॉइंट ना। नाउ यहाँ पर आपका सेम सिमिलरली आप क्या कर लोगे, पावर P2, ओके,
P2, here it is P1. So P2 is equal to what? Power equal to V into current will be I2. So I2 will be what? P2 by power by voltage होगा, simply power आपका कितना है? 360 divided by voltage आपका कितना है? 220. So जो भी होगा आपका point में value है ना, कितना that much of ampere. Okay. So ये हम लोग का first numerical, ये हम NCERT से ही ले रहे हैं सब student. देखो next question है आपके पास कि बोलता है heat दिया हुआ है ना. So heat दिया हुआ है question में, heat दिया है that is 100 joule. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक बोल दें 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल ऑफ हीट, सब एक ही है ना स्टूडेंट, क्योंकि वो जो वर्क है दैट इज एनर्जी है, वही अपना फॉर्म चेंज करके किसमें बदला? हीट में, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे. सो नाउ आर इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है? 4 ओम. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, अच्छा आपको दिया हुआ है ईच सेकेंड. ओके मीन्स क्या है? टाइम, टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड. और आपको निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको आपको हीट का जो इक्वेशन पता है इज इक्वल टू वी आई टी. देखो तो स्टूडेंट, क्या है हमारे पास? आर है ना, आर है हम लोग के पास, हीट है और टाइम है. तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इस इक्वेशन से क्या हम लोग को एच आर टी, हम लोग यहाँ से आई निकाल सकते हैं क्या स्टूडेंट? हीट हमारा हो गया 100 जूल, वोल्टेज हम लोग को वी नहीं पता है, करंट दिया हुआ है नहीं, ओके करंट भी नहीं हम लोग के पास, आई और टाइम कितना है स्टूडेंट? 1 सेकेंड. ओके तो टाइम हो गया 1 सेकेंड, रेसिस्टेंस है 4 ओम एंड हीट इज ओके. तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं क्या? सो एच इक्वल टू, हमारे पास I नहीं है, सो आई कैन राइट I एस वी बाई आर इंटू टी. ओके सो हीट इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर. सो इससे वर्कआउट अगर करना चाहेंगे तो H 100, वोल्टेज इज है ना, वी हैव टू फाइंड इट वी स्क्वायर इंटू टाइम आपके पास है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आपके पास कितना है स्टूडेंट? 4 ओम. सो अब देखो इस हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फॉर्म को चेंज कर लिया. ओके है ना, ये सेम प्रॉब्लम आपको भी आएगा कि है ना कैसे आप फॉर्म को चेंज कर लेते हो. ओके अदरवाइज ओम्स लॉ से तो हम डायरेक्टली यहाँ चेंज कर सकते थे फॉर्म को, बट यू कैन डू इट ऑल्सो. ओके सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया जाता है ना. तो कैसे करते हैं देखते हैं. हाफ 100 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई ना वी स्क्वायर इंटू 1, सो व्हाट विल बी वी स्क्वायर इज 400. So what will be the value of V is root under 400, that is what? Voltage is 20 volt. Okay, fine student. So ये हम लोग का जो second, दो equations हम लोगों ने पढ़े और power equal to V into I और एक equation heat equal to V I T, इन दोनों ही forms को आपको बिल्कुल ही बिल्कुल आप है ना याद रखिए. So next जो हम लोग का lecture होगा student वो based होगा on प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ हीटिंग अफेक्ट है ना ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, दैट इज विल बी आवर लेक्चर 9B. ओके और होप यू लाइक द सेशन. ओके डू प्रमोट अस. ओके थैंक यू.